हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड एम बैक विद अनदर वीडियो तो टूडेज़ वीडियो इज अबाउट द इकोनॉमिक्स पार्ट टू सो आई वाज़ रिसीविंग कमेंट्स फ्रॉम यूर साइड सर पार्ट टू को अपलोड करें इकोनॉमिक्स के लिए हमें और वीडियोस चाहिए तो दिस इज पार्ट टू ऑफ द इकोनॉमिक्स कुछ और एम डिस्कस करेंगे जिससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं तो पहली बार चैनल पे आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज मैं ऐसे ही एम सी क्यूज प्रैक्टिस रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे लाते रहता हूँ और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम से रिलेटेड बेनिफिट मिलते रहेगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन भी डायरेम जहाँ पर मैं सारे पी डी एफ्स सारे लिंक्स आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा ताकि आपको और कहीं से भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू द क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी स्टेट दैट द डिफरेंस इन रिलेटिव फैक्टर अबेंडेंस एमोंग नेशंस इज द बेसिक कॉज ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज एंड इंटरनेशनल ट्रेड ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दिस इज पार्ट रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंट थियोरीज वी आर हैविंग एब्सोल्यूट एडवांटेज थियोरी कंपेरेटिव कॉस्ट थियरी फैक्टर एंडोमेंट्स थियरी इंटरनेशनल ट्रेड थियोरी तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको बिकॉज क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको आंसर देने में प्रॉब्लम हो सकते हैं अभी इसमें बच्चे क्या करेंगे कंपेरेटिव एडवांटेज कहीं दिख रहा है तो कंपेरेटिव कॉस्ट थियोरी लिख के आ जाएंगे पर ध्यान से इसका आंसर कंपेरेटिव कॉस्ट थियोरी नहीं है देखो क्या बोल रहा है सेकेंड लाइन में पढ़ते हैं इन रिलेटिव फैक्टर अबेंडेंस अगर फैक्टर अबेंडेंस की बात की जा रही है फैक्टर की बात की जा रही है तो दैट इज कॉल्ड एस विच थियरी तो मैंने आपको लास्ट पार्ट वन में भी बताया था एली एक्सर होली और बल्टी होलीन ने थियोरी दिया था फैक्टर एंडोमेंट थियोरी तो फैक्टर एंडोमेंट थियोरी का एक पैराडॉक्स भी आया था विच इज कॉल्ड एज लियोनटिफ पैराडॉक्स ओके चलो क्वेश्चन नंबर टू में जाएंगे द प्राइस बिलो विच इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नॉट परमिटेड इज कॉल्ड एज मिनिमम रिटेल प्राइस मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस मैक्सिमम इम्पोर्ट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस देखो अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तभी भी आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देखो मिनिमम रिटेल प्राइस मतलब एम जिसमें हम परचेस करते हैं वो तो हो नहीं सकता बिकॉज ये इम्पोर्ट्स की बात कर रहा है तो मिनिमम रिटेल प्राइस तो कैंसिल हो गया और मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कैंसिल हो गया दो ऑप्शन बचे हमारे पास मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस और मैक्सिमम इम्पोर्ट प्राइस द प्राइस बिलो विच क्या पूछ रहा है द प्राइस बिलो विच इंपोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नॉट परमिटेड इज कॉल्ड एज मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस तो इसका राइट right आंसर बनेगा इम्पोर्ट प्राइस मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस तो राइट स्ट्रैटेजी को आप समझोगे किस तरीके से अगर आपको एमसीक्यू नहीं आता होगा तो भी कंफ्यूज मत होना पहले आप देखो ध्यान से पढ़ो ऑप्शन को डिलीट करो उसमें से फिर जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जाएंगे दिस इज अबाउट द बैरियर्स टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के मैंने आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया है कि टैरिफ बैरियर्स ऐसा बैरियर्स होता है जो इम्पैक्ट करता है प्राइस के ऊपर और नॉन टैरिफ बैरियर ऐसा बैरियर होता है जो इम्पोर्ट जो इंपैक्ट करता है क्वांटिटी के ऊपर तो ये कोटास की बात कर रहा है कोटा मतलब ये एक नॉन टैरिफ बैरियर है ड्यू टू कोटा देर इज इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंपोर्ट क्वांटिटी या डोमेस्टिक कंजम्पन तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट होगा कि कोटा लगाएंगे तो क्या होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो रहेगा वो बढ़ेगा बिकॉज लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ज्यादा परचेस करेंगे बाहर के कमोडिटीज पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो क्या होगा बाहर से कमोडिटीज कम आएंगी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ते जाएगा आई होप कि आपका ये क्वेश्चन नंबर थ्री क्लियर है क्वेश्चन नंबर फोर ऑल द शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड इन ट्रेड अकाउंट बैलेंस करंट अकाउंट पेमेंट्स कैपिटल अकाउंट रिसीट्स या कैपिटल अकाउंट बैलेंस तो इसका राइट right आंसर है कैपिटल अकाउंट बैलेंस तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे पास तीन कंपोनेंट है नंबर वन इज करंट अकाउंट करंट अकाउंट में दो आते हैं मर्कन्टाइज दैट इज गुड्स मतलब विजिबल्स और इनविजिबल्स विजिबल्स की बात करें तो गुड्स आएगा इनविजिबल्स की बात करें तो सर्विसेस फैक्टर पेमेंट्स ऐसे पॉइंट्स या यूनिलाल ट्रांसफर्स उसमें आएंगे ठीक है कैपिटल अकाउंट अगर हम देखें तो सेकंड हमारा कंपोनेंट कौन सा है कैपिटल अकाउंट और थर्ड हमारा कंपोनेंट कौन सा है जो थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स पर्पसेज के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड एंड दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट और विच इज आल्सो कॉल्ड एज एरर्स एंड ओमिशंस अकाउंट तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस आई होप कि आपको इसका आंसर क्लियर है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जाएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स नॉन वॉयेशन कम्प्लेट्स आर सम ऑफ द इश्यूज रिलेटिंग टू गैट्स GATT टी गैट दैट इज जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेशर्स और ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ध्यान रखना इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात कर रहा है मतलब राइट्स की बात कर रहा है तो जहाँ पे भी राइट्स की बात करेंगे वहां पर आईपीआर का कंसेप्ट आता है इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इसके लिए इसका राइट आंसर बनेगा ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ध्यान से इसको पढ़ के रखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज वन ऑफ द ट्रेड पॉलिसी मेशर टू कलेक्ट टू करेक्ट बी ओ पी डिसियम तो इनमें से कौन सा एक ट्रेड पॉलिसी मेशर है जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसिक्विबरियम को करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं फिजिकल पॉलिसी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन डेप्रिसिएशन एक्सचेंज कंट्रोल तो इसका राइट right आंसर है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज वन ऑफ द ट्रेड पॉलिसी मेशर टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस इक्ब्रियम डिस इक्ब्रियम का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था वेन फॉरन इनफ्लोज आर नॉट इक्वल टू फॉरन आउटफ्लो तो डिस तो इक्ब्रियम का कंडीशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ पीपीपी थियरी ठीक है पावर पैरिटी तो परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी का रिफाइंड वर्जन कौन सा है एपसुल्यूट पीपीपी रिकार्डोस थियरी लॉ ऑफ वन प्राइस या रिलेटिव पीपीपी तो इसका राइट आंसर आई होप कि आपको पता होगा तो इसका राइट right आंसर है रिलेटिव पीपीपी रिलेटिव पीपीपी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वो है अपना रिफाइंड वर्जन ठीक है क्वेश्चन नंबर एट रिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इंपोर्ट ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन या स्पॉट ट्रांजेक्शन सो जो कॉमन टाइप का पूछ रहा है ठीक है कॉमन टाइप मतलब जो रेगुलर बेस पे होता ही है वो कॉमन टाइप कौन सा है तो उसका राइट आंसर बनेगा स्पॉट ट्रांजेक्शन स्पॉट ट्रांजेक्शन इज वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर नाइन में जाएंगे When फॉरन टूरिस्ट इनकर expenditures इन डोमेस्टिक कंट्री इट लीड्स टू अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आके पैसे खर्चा करेगा अगर कोई फॉरेनर एक कंट्री में आके वहाँ पे एक्सपेंसिस करेगा वहाँ पे कुछ आ, टूरिस्ट एक्सपेंडिचर्स वो कर रहा है तो उससे क्या होगा हायर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी हायर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी लोअर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी या लोअर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी तो लोअर का तो कंसेप्ट आएगा ही नहीं तो इसका राइट right आंसर बनेगा हायर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बिकॉज उस कंट्री से हमारे कंट्री में फॉरन करेंसी का इन्फ्लो हो रहा है बिकॉज वो यहाँ आके स्पेंड कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज हायर सप्लाई ऑफ फॉरन करेंसी आई होप की दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्वेश्चन नंबर टेन आज का लास्ट क्वेश्चन एक्सचेंज रेट एट विच बायर्स एंड सेलर्स सेटल द ट्रांजेक्शन इन फॉरवर्ड मार्केट इज कॉल्ड एज तो जो बायर्स एंड सेलर सेटल करते हैं ट्रांजेक्शन इन द फॉरवर्ड मार्केट की बात कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज रियल रेट ऑफ एक्सचेंज या नॉमिनल रेट ऑफ एक्सचेंज तो काफी सिंपल क्वेश्चन है इसका राइट right आंसर है

अगली बार मिलेंगे कुछ नए वीडियोज के साथ एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर